सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, हम लोग इस वीडियो में बिहार सरकार द्वारा जो 1,70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली है, उसका सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, एग्जाम की तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए साथियों, ये परीक्षा आपकी लिखित है वो वस्तुनिष्ठ आधारित पर होगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा। देखिए, आपको भाषा से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग फर्स्ट में 25 एवं भाग सेकंड 75 का होगा। परीक्षा है वो 2 घंटे के लिए रहेगी। कुल अंक है वो 100 रहेंगे, भाग फर्स्ट का 25 और भाग सेकंड के 75। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए रहने वाला है। ये पत्र 2 भागों में यथा भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड रहेगा। भाग फर्स्ट में अंग्रेजी भाषा के सभी सम्मान कॉमन होगा और भाग सेकंड है वो उर्दू, हिंदी, बंगला तीनों में से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा। इस पत्र का अहर्तांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% आपको नंबर लाने होंगे तो ही आप इसमें होंगे, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होने वाली है। अगला देखिए, अगला भाग सामान्य अध्ययन का रहेगा। इसमें कुल 120 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, कक्षा 1 से 5 वालों के लिए, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी आपके लिए 12th के बराबर या BA जो भी आपकी योग्यता रखी उसके बराबर रहेगा। तीसरा पार्ट होने वाला है विषय एवं सामान्य। इसमें 120 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का रहेगा, 120 प्रश्न करने होंगे। ये रहेगा माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए जो 9 से 10 वाले हैं, 1 से 5 वालों के लिए ये रहने वाला, 9 से 10 वालों को देखिए। इसमें 80 प्रश्न होंगे पहले भाग में और सेकेंड भाग में भी 40 प्रश्न होने वाले। भाग फर्स्ट में विषय का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपने जो विषय चूज किया उसके प्रश्न आने वाले हैं। इसमें आपके माध्यमिक विद्यालय के विषयों का पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर है वो उम्मीदवार की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसमें MA है तो MA के जो भी अकॉर्डिंग है उसके अनुसार रहेगा। सेकंड भाग सामान्य अध्ययन का रहेगा, इसमें प्रश्न पत्र माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला अपन देखें सामान्य विषय विज्ञान, इसमें भी 120 प्रश्न आएंगे, ये भी उच्चतर माध्यमिक के लिए। इसमें प्रश्न 2 भाग होंगे, पहला भाग और सेकंड भाग। फर्स्ट भाग विषय का होगा, जिसमें जो विषय उन्होंने चूज किया वो रहेगा। सेकेंड भाग है वो सामान्य अध्ययन का रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसमें कौन कौन से भाग रहने वाले हैं। तो NCERT या बिहार जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का पाठ्यक्रम चल रहा है, उस पाठ्यक्रम के डिपार्टमेंटली पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप लोगों को तैयारी करनी होगी। ठीक है साथियों, तो इसमें ज़्यादा GK वगैरह ऐसा जोर नहीं दिया गया है। अधिकतर प्रेशर है वो आपको सब्जेक्ट पे, यानी अपने ध्यान केंद्रित है वो सब्जेक्ट पे करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने आवेदन फॉर्म भरा है, उस सब्जेक्ट पे आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो आप लोगों को चयन में है वो आसानी रहेगी। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।